खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि जब तक कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है तब तक राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक थम्स इम्प्रेशन का उपयोग नहीं होगा। बहुत दिनों से मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से बायोमेट्रिक जो हमारे कंट्रोल में थम लगता है उस थम को लेकर बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही थी। काफी लोग कह रहे थे कि थम अब जब तक कोरोना वायरस की संभावना है तब तक इसमें संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। इंदौर कलेक्टर और कई कलेक्टरों ने लिखकर भी इस बात को भेजा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बात को कहा, मुख्यमंत्री जी ने सीएस से कहा और सीएस ने पीएस से कहा और इस बात के लिए लगातार चूंकि ये दिल्ली से होता है तो केंद्र सरकार ने संपर्क किया और मुझे आज खुशी इस बात की है कि मुख्यमंत्री के कहने पर अब मध्य प्रदेश में जब तक कोरोना वायरस की बीमारी है तब तक थम नहीं लगेगा। किसी व्यक्ति को थम लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये बायोमेट्रिक थम की अभी इसको बंद कर दिया गया है। अब राशन जैसे मिलता था वैसे ही मिलेगा। एक व्यक्ति जो चाहे शहर का हो शहरों में हो ग्रामीण में वो एक कर्मचारी रहेगा जो थम लगाएगा। आम व्यक्ति को थम लगाने की आवश्यकता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।